हमारी सहानुभूति केपी यादव के साथ है जिसका टिकट कटा है। क्या सिंधिया के सामने कांग्रेस के टिकट पर केपी यादव लड़ेंगे चुनाव? भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। जी आपको बताते चले केपी यादव का टिकट काट के गुना से, आपको बताते चले कि सिंधिया को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। दिग्विजय सिंह से जब सवाल किया गया कि सिंधिया को बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से चुनाव में उतार दिया है, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी सहानुभूति केपी यादव के साथ है। जी हां, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। अपनी पहली सूची में बीजेपी ने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए। इनमें सागर से राज बहादुर सिंह, विदिशा से रमाकांत भार्गव, भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया। लेकिन चर्चा एक सांसद के टिकट कटने की सबसे ज्यादा हो रही है, वह है गुना से वर्तमान सांसद केपी यादव, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 लोकसभा चुनाव में जीत कर दिया था, जिसके बाद से केपी यादव राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में आ गए। अब सिंधिया को गुना से लोकसभा टिकट तो मिल गया, लेकिन केपी यादव का क्या बाकी बची 5 सीटों में से किसी एक सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है? फिलहाल अब बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों का सभी को इंतजार है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।